वालेकुम। करेलों का सीज़न चल रहा है। करेले कई किस्म के बनाए जाते हैं। कीमिया भरे करेले, मसाले वाले करेले, दाल भरे करेले, बेसन वाले करेले। लेकिन आज मैं आपको कलौंजी वाले करेले बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये 8 चम्मच सूखा धनिया लिया और 3 चम्मच ज़ीरा, 2 बड़े चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच कलौंजी और आधा छोटा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना थोड़ा डालते हैं, इससे करेले कड़वे बनते हैं। अब मैं इसको फ्राई पैन में डाल के फ्राई करूँगी। अब ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी डालकर फ्राई करूँगी। सिर्फ कलौंजी और ये मेथी दाना नहीं डालना। ये 5 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसे फ्राई करूँगी। चम्मच को बराबर चलाते रहना है। ये जो मैं मसाला आपको बताने लगी हूँ, ये आप भुने हुए आलू, सूखे आलू में भी डाल सकती हैं, टिंडों में डाल सकती हैं, कोई भी भरवा सब्ज़ी हो उसमें डाल सकती हैं, लेकिन शोरबे वाली सब्ज़ी में नहीं। ये बहुत ही लाजवाब मसाला है। आप एक ही मरतबा बना कर रख लें, काफ़ी देर तक चलता है, तकरीबन पूरा सीज़न चलेगा। करेले गोश्त बनाने हो तो उसमें नहीं डालना। ये देखें, मसाले बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, इनको जलाना नहीं है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया। अब मैं इन्हें प्लेट में निकालने लगी। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे फिर मैं इसे ग्राइंडर में मोटा मोटा पीस लूँगी। अब ये फ्राई पैन नीचे रख देना है और ये जो मेथी है और कलौंजी है ऐसे आग के बगैर इसमें डालनी, ऐसे 2-3 मिनट ऐसे चलाना है। ताकि इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और फिर जल्दी पिस जाती है। बस ये भी हम इसी में डाल देंगे। जब तक ये हमारा मसाला ठंडा होता है तब तक मैं आपको करेले बताती हूँ कि कैसे छीलने हैं और कैसे बनाने हैं। ये देखें, ये मेरे पास करेले हैं, ये इस साइज़ के मैंने लिए हैं। ये सीज़न में इतने इतने बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये देसी करेले हैं, इनको बिल्कुल हल्का हल्का छीलना, बस ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं छीलना। इस तरह करेले की जो ऊपर वाला छिलका है वो तो उतर गया तो फिर करेला खाने का मज़ा ही नहीं आता। लोग कहते हैं कि करेले कड़वे बनते हैं, करेले कभी भी कड़वे नहीं बनते, हालांकि थोड़े थोड़े कड़वे होने चाहिए। ये देखिए, ये सारे करेले मैंने ऐसे छील लिए। ये कुछ मेरे पास बड़े साइज़ के हैं, कुछ छोटे हैं। बड़े साइज़ के जो हैं ये मैं अलग कर लूँगी और ये जो छोटे साइज़ के हैं इन्हें मैं धागे के बगैर मसाला भरूँगी इनके अंदर। और ये जो मेरे पास छिलके हैं इनको मैं ऐसे बारीक बारीक कट करके बिल्कुल ऐसे सारे छिलकों को ऐसे बारीक बारीक कट करके रखूँगी, इसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। अब इसके अंदर भी मैं ये 1 चम्मच भर के नमक का डाल रही हूँ। नमक का डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसको रख देना है। ये देखिए करेले जो हैं इनके अंदर मैं 2-3 चम्मच नमक के डालूँगी। कट लगा के नहीं नमक लगाना, ऐसे लगाना। कुछ लोग मैंने देखा कट लगा के नमक लगाते हैं, फिर उसे धोते हैं, वो सारा पानी अंदर चला जाता है, फिर वो करेले कड़वे बनते हैं। ऐसे बस 2-3 घंटे के लिए इसको ढाँप के रख देना है। 2-3 घंटे के बाद इसे मैं पानी से धोऊंगी। अभी मैं इन्हें ऐसे छोड़ने लगी। ये देखिए मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं। अब मैं इनको कूटने लगी हूँ ग्राइंडर के साथ। मोटा मोटा दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये देखिए इस तरह का मोटा मोटा दरदरा सा रखना है मसाला। ये हमारा मसाला
करेलों के लिए तैयार हो चुका है। ये देखें, करेलों को नमक लगाए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और देखें इन्होंने कितना पानी छोड़ा। अब इन्हें मैं अच्छी तरह मलमल के दूंगी और थोड़ा सा ये हल्दी डालकर, ये थोड़ी हल्दी डालूंगी और ये जो करेलों के छिलके हैं उनके ऊपर भी हल्दी डालूंगी। इससे एक तो करेलों का कलर बहुत अच्छा आएगा, दूसरा ये कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। ये देखें कितना पानी, ये सारा करेलों ने पानी छोड़ा। अब मैं खुले बर्तन में डाल के इसे मल मल के दूंगी। देखिए ऐसे करेले को मलना, हाथों से ऐसे ऐसे मलना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि करेले कभी कड़वे बने। देखें यह मैंने छलनी में निकाल लूँगी और खुशक होने के लिए रख दूँगी। जैसे ये खुशक हो जाएंगे तो फिर मैं इनके अंदर से बीज निकाल लूँगी। ये देखिए सारे करेले 2 के मैंने चिक्कू में डाल के रखे हुए थे, अच्छी तरह खुशक हो गए। अब मैं इनके अंदर से बीज निकालूँगी। ये ऐसे छुरी लेनी है और ऐसे सीधा कट लगाना है। ये देखिए फिर छुरी की मदद से इनको बाहर निकाल देना सारे बीज। अगर करेला ज़रा गीला है तो कपड़े की मदद से ऐसे खुशक कर देना। करेले धोकर पंखे के नीचे रख दें ताकि अच्छी तरह खुशक हो जाए। ये देखिए ये वाले बीज जो थे ये सख्त थे, इनको मैंने वेस्ट कर दिया। और ये करेले में से नरम बीज निकले, इनको मैं करेलों में डालूंगी। ये देखें ऐसे ही मैंने सारे करेले काट के ऐसे साफ़ करके रख लिए, अंदर से बीज इनके निकाल दिए। ये छोटे वाले करेले मैंने लिए हैं क्योंकि इनके अंदर ये कलौंजी का मसाला बने तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं, ये मसाले वाले मैंने बनाने हैं। और ये जो बीज नरम वाले लिए हैं मैंने, ये नरम बीज मैंने रख लिए हैं, इनको छुरी की मदद से ऐसे कट करूँगी, बारीक बारीक कर लूँगी, फिर इनको भी फ्राई करूँगी। सारे मैंने ऐसे कट कर लिए, ये लंबा जो होता है इनको ऐसे कट कर लेना, इनके 2-2, 3-3 पीस कर लेने ताकि बारीक बारीक हो जाए, क्योंकि कुछ लोग बच्चे नहीं पसंद करते बीज, इसलिए बच्चों को झांसा देने के लिए इनको कट करना पड़ता है। और ये जो मैंने ऊपर वाले छिलके लिए थे इनको भी मैंने अच्छे से धो के खुशक कर लिया। ये देखो ये भी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, इन्हें भी मैं फ्राई करूँगी। अब इस साइज़ के मैंने 6-7 प्याज लिए, इनको मैंने ऐसे कट लगाया, ऐसे कट लगाना है फिर ऐसे, और ऐसे बारीक बारीक काट लेना। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुछ नए बनाने वाले जो लोग हैं उन्हें नहीं पता चलता, इसलिए फिर हर चीज़ बताना पड़ती है। और ये जो प्याज है ये मैं कोई 4-5 प्याज लूँगी, इनको मैं ऐसे लंबा लंबा काट लूँगी जो करेलों के अंदर डालूँगी, ऐसे लंबा लंबा। और ये मैंने 2 बड़े चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च ली है, 1 बड़ा चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी ली, बस यही मसाले जाएंगे करेलों के अंदर। देखें ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर रखा हुआ है, ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना क्योंकि अगर हम तेज़ गरम करेंगे तो फ़ौरन से करेले जल जाएंगे। अब ये मैं बिल्कुल छोटे वाले करेले डाल रही हूँ, इन्हें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना, फिर कड़वे बनेंगे। जितनी करेले जब भी आप बनाएं, किसी किस्म के भी बनाएं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाएं, पहले थोड़ी सी आंच तेज़ कर दें फिर हल्की कर दें। अब ये खुद ही पकते रहेंगे, 1-2 मरतबा आप चम्मच की मदद से हिला देना, ऊपर नीचे कर देने। चलें ये देखें करेले हमारे पकना शुरू हो गए हैं। अब ऐसे हाथ से ऐसे इन्हें कर देना। अब मैं आंच को बिल्कुल स्लो करने लगी। देखें जबकि मैंने करेले डाले हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पक रहे हैं, 1 मरतबा भी मैंने इन्हें हिलाया नहीं है। अब मैं इसको
पलटने लगे। जब तक एक साइड हो ना जाए तब तक इन्हें हिलाना नहीं। ये मैं आपको ऐसे करेले बनाना सिखा रही हूँ कि ना धागा बांधने की झंझट और ना ही कोई और मसला होगा और ना इनके अंदर से फीलिंग निकलेगी बाहर। अब जैसे इनकी ये दूसरी वाली साइड चेंज हो जाती है तो इनको मैं निकाल लूँगी, फिर दूसरे वाले डाल दूँगी। ये देखिए मैंने एक कच्चा आम लिया, इसको मैं कद्दूकश करूँगी, और ये एक बड़ा टमाटर लिया, और ये चार पांच प्याज लेके इनको मैंने इस तरह का मोटा मोटा कट कर लिए ऐसे, और ये कुछ हरी मिर्चें ली हैं। ये बारीक साइड से इसे कद्दूकश करना है। अगर आपके पास आम नहीं है तो आप आमचूर भी ले सकती हैं। कभी भी चाट मसाला नहीं लेना, आमचूर ले लें खटाई अगर आप पसंद करती हैं खाना तो, नहीं तो फिर एक सख्त वाला टमाटर लेके उसको बारीक बारीक पीस लें। इस मौसम में तो ये कच्चे आम मिल जाते हैं। ये देखें ये आम हमारा तैयार हो चुका है, ये मैंने सारा बारीक पीस लिया, इतना ही मुझे चाहिए बस। देखिए करेलों का कलर भी चेंज हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करना फिर वो काले काले लगते हैं, दिखने में भी वो अच्छे नहीं लगते। अब मैं इन्हें निकालने लगी। सारे करेले मैंने गोल्डन ब्राउन करके ऑयल में से निकाल लिए हैं। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। ये जो मैंने प्याज बारीक काट के रखा हुआ है इसको हम फ्राई करते हैं। ये मैंने 3 चम्मच ऑयल के डाले हैं, इसके अंदर अब मैं ये प्याज डालूँगी। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन होता है तब तक हम वो जो करेलों के छिलके थे उन्हें दूसरी साइड पे ब्राउन कर लेते हैं। ये मैंने 2 चम्मच ऑयल के डाले हैं, अब इन्हें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी मैं। इनको मैंने नमक लगाकर काफ़ी देर तक रखा हुआ था आपके सामने और इन्हें अच्छी तरह मसल मसल कर धो लिया। अब हम इसे फ्राई करते हैं। ये देखो ब्राउन हो रहे हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और साथ ही ये थोड़ा सा नमक। करेलों के छिलके हैं ये भी तैयार हो चुके हैं, इन्हें ज़्यादा काला नहीं करना। ये देखिए ये जो बीज थे अब मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। ये उनके छिलके निकाल दिए मैंने करेलों के, अब बीज फ्राई कर रही हूँ। बीजों के अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालते हैं और ये फुल हीट पे फ्राई कर, बस दरमियानी हो, ज़्यादा फुल भी ना हो ताकि जलने ना पाए। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं मैंने भी निकाल दूँ। ये वैसे भी अगर आप करेलों में नहीं डालना चाहती, नहीं बच्चे पसंद करते, तो आप अलग कीमे में डाल के बना लें, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखें बीज भी हमारे तैयार हो चुके हैं, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये सारे मसाले डाल रही हूँ। हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, पानी नहीं लगाना क्योंकि जो करेलों के लिए मसाला तैयार किया जाता है उसमें पानी नहीं लगाते। अगर आप कहीं लंबे सफ़र के लिए जाते हैं जाना चाहते हैं तो ये करेले आप साथ ले जाएं, कभी भी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि इसको पानी नहीं लगा होता। देखिए अभी हमारा मसाला तैयार नहीं हुआ, अभी मैं इसे मज़ीद भूनूंगी। ये बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो जाना चाहिए। ये मैं 2-3 मिनट के लिए प्याज को कवर करके रखने लगी हूँ ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। प्याज ही से करेले मज़े के बनते हैं क्योंकि इसकी जो प्याज की स्टफिंग है इसी से करेले का बहुत ही अच्छा जायका आता है। देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अब मैं फ्लेम को बंद करती हूँ। फ्लेम बंद करने के बाद ये जो मेरे पास कच्चा आम है ये मैं आधा डालूँगी ताकि ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। चेक करके मैं फिर दोबारा डालूँगी, आँच को बंद करके डालना है। ये जो कलौंजी वाला मसाला मैंने बना के रखा हुआ है
इसके मैं ये 2 चम्मच डालूँगी। ये भी आंच को बंद करके डालें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे बस चलाते रहना है ताकि हर चीज़ मिक्सअप हो जाए। ये देखिए, अब ये मैं सारे छिलके साथ ही डालने लगी। और ये जो मेरे पास बीज हैं, ये भी मैं थोड़े से अंदर डालने लगी। ऐसे करना है चम्मच की मदद से। मैंने आधा आम डाला था, ये आधा मैंने रख लिया क्योंकि उस तरह ज़्यादा खट्टा हो जाना था। तो ये हमारी करेलों की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें करेलों के अंदर कैसे फिल करना है। चलिए अब हम करेलों में फिलिंग करते हैं। ये हाथ की मदद से करनी है। ये इतना इतना सा लेना, इसको यूँ करना और ऐसे बंद करके, ये जिस ऑयल में मैंने करेले तले थे उसको मैंने भुन के फिर डाल दिया कढ़ाई के अंदर। ये ऐसे रखते जाना, कोई इसके ऊपर धागा नहीं लपेटना, कोई कुछ नहीं, और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। ये देखिए कितने छोटे छोटे हैं और इतने मज़े के बनते हैं। आप एक मरतबा बनाकर देखें, वाकई आप कहेंगी कि बहुत ही शानदार बने। अब मैं साथ ही इसके ये प्याज डालने के जो कटे हुए हैं, साथ ही टमाटर और ये सब्ज़ मिर्चें, ये साथ इसलिए डालते हैं ताकि करेले फ्राई करने के बाद थोड़े सख्त हो जाते हैं और जब हम इन्हें दम पे रखेंगे तो ये नरम हो जाए। और साथ ही ये जो बीज हैं, जो बचे हुए बीज हैं करेलों के, ये भी डाल देंगे। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने दम पे रख रही हूँ। ये देखें करेले दम पे रखे हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। करेलों को दम आ चुका है। अब ये बिल्कुल खाने के लायक है। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही अच्छे लगें। ये देखो, छोटे से छोटे करेले से भी मसाला बाहर नहीं निकला, बिल्कुल उसी तरह ही जैसे मैंने अंदर डाला था। ये देखिए, प्याज कभी भी धो के करेलों में नहीं डालना चाहिए, ऐसे ही डालना चाहिए, क्योंकि प्याज से करेले जो क्रिस्पी ज़्यादा हो जाते हैं वो नरम होते हैं और प्याज की खुशबू करेलों के अंदर जाती है। करेले हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।